जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। ग्राम पंचायत की जमीन पर अन्य पंचायत द्वारा कब्जा की कोशिश, ग्रामीणों में आक्रोश। जांजगीर जिला के बमहनीडी ब्लॉक के ग्राम पंचायत सिलादेही के ग्रामीणों व पंचायत प्रतिनिधियों ने बैठक कर गांव की जमीन पर अन्य पंचायत के द्वारा कब्जा करने का विरोध किया है। उन्होंने शासन से भी मांग की है कि इस प्रकार कब्जा करने की अनुमति न दे। दरअसल पूर्व से ही ग्राम सिलादेही पंचायत के रूप में है। सिलादेही के आश्रित ग्राम महुआटी बगल में ही बसा हुआ है। इस ग्राम पंचायत में उसके कुछ वार्ड भी आते हैं। वहां के ग्रामवासियों ने उसे ग्राम पंचायत बनाने की शासन से अपील की थी, जिसके बाद सर्वे के लिए एक टीम यहां पहुंची, जिस पर ग्रामवासियों ने सिलादेही की जमीन पर भी अपना कब्जा जमाने की कोशिश की जा रही है, जिसके तहत सिलादेही की जमीन को भी वार्ड में बांटा जा रहा है, जिसका सिलादेही ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों व ग्रामीणों ने पुरजोर विरोध किया है। प्रतिनिधियों का कहना है कि उस गांव को ग्राम पंचायत बनाने से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे ग्राम की जमीन पर उन्हें कब्जा नहीं करने देंगे। वे अपने गाँव की जमीन पर ग्राम पंचायत बना सकते हैं। मैं राम खिलान तिवारी, पूर्व सरपंच, पूर्व विधायक प्रतिनिधि, पूर्व सांसद प्रतिनिधि, आज ग्राम सिलादेही के पंचायत भवन में विशेष ग्राम सभा के आयोजन किए गए है। ये तारतम्य कि ग्राम मौहड़ी के किसान मन अपन गांव ला ग्राम पंचायत बनाए के स्थिति में हैं, तो हमन ये चाहत हन हमर गांव के जनता मन ग्राम सिलादेही के काबर एक ठन मोहल्ला है और हमन वाला पंचायत बनन देवन नहीं, काबर नहीं बनन दन कि सात ठे मोहल्ला हमर गांव हर है। अगर शासन चाहिए तो हमर गांव ला भी चार पंचायत बनाए हर चर चर वार्ड में, और ओमन हाई कोर्ट में तक भी आवेदन लगाए हैं कि हमार ग्राम पंचायत अलग बनना चाहिए कि काबर हमारे जमीन में ओमन बसे हैं। अगर ओमन ग्राम पंचायत बनाना चाहते हैं तो अपन जमीन में गिरजा बंगला के पास ओमन के 100-150 एकड़ जमीन है, ओमा अपन जाके व्यवस्थित हो जाएं और ग्राम पंचायत बनावाएं। एमा हमला कोई आपत्ति नहीं गाँव वाला मनला। अगर भविष्य में शासन भी अगर ग्राम पंचायत बनाए के प्रयास करी तो एक लिए बहुत जोरदार विरोध किए जाही, हड़ताल किए जाही, पूरा आम पब्लिक मन पूरा हमन करबो, एक लिए विरोध करबो। यही मैं कह के मैं बात खत्म करना चाहत। आज हमारे ग्राम पंचायत सिलादेही के ग्राम भवन में एक ग्राम सभा विशेष रखा गया है, जिसका कारण यह है कि हमारे ग्राम सिलादेही के महुआटी पारा में एक गांव है जो हमारे मोहल्ले में रहते हैं हम लोग, जो आज के दिन उन लोग सर्वे करवाने के एक मांग किए थे कि मौहड़ी के नाम से सर्वे किया जाए, लेकिन हमारे गांव ग्रामवासी के द्वारा इस चीज़ को आपत्ति करते हुए हम लोग इस ग्राम सभा को बैठक को रखे हैं कि उस गांव को हम लोग अपने मोहल्ले में लेंगे, लेकिन ग्राम मौहड़ी के नाम से नहीं करेंगे उसको, क्योंकि उनका पुराने ज़मीन है, उनका जो वीरान दिखा रहा है मौहड़ी का नाम से है उसका ज़मीन, वो वहाँ पे जाकर अपने ग्राम सभा ग्राम पंचायत बना सकते हैं, लेकिन हमारे इस ग्राम पंचायत के अंदर में रहकर अलग ग्राम पंचायत का कोई ये नहीं है। और साथ ही साथ हमारे सर्वे करने जाने पर उन लोग मतलब विरोध करते हैं कि हमारे ग्राम में मतलब मोहड़ी लिखा जाए, इसके बाद मैं सर्वे करवाऊंगा, लेकिन मैं आपत्ति कर रहा हूं कि ऐसा नहीं होगा। और जहां तक नंबरिंग भी 1-2 से चालू कर रहे हैं वहाँ पर शासन, और अभी ऑनलाइन में सिलादेही दिख रहा था, अब वो दिख रहा है मोहड़ी, तो शासन भी मतलब इसमें उनके साथ दे रहे हैं। मैं शासन से भी कहना चाहता हूं कि इस जो काम को ना करें और ना करवाएं। हम चाहते हैं कि ग्रामवासी लोग एक होकर उनको विरोध करें और उसको आपत्ति करें। धन्यवाद जी। बताएंगे आपका नाम? मोर नाम होरीलाल कलार है। मैं पूर्व जिला पंचायत सदस्य के प्रतिनिधि और पूर्व 2 बार सरपंच, 1 बार जनपद सदस्य ग्राम पंचायत सिलाडी का था। आज विशेष ग्राम सभा सिलादेही में विशेष ग्राम सभा बुलाया गया है, और इसका विषय है कि हमारे राजस्व ग्राम सिलादेही में पूर्व में मऊहाडी वाले मांग किए आबादी यानी बसाहट के लिए, इसको हमारे पूर्व सरपंच उनको आबादी घोषित करवा के कुछ ज़मीन को आबादी घोषित करके वहाँ के आदमियों को बसाए, और वो लोग आज हमारे ही ग्राम में हमारे राजस्व ग्राम में बसे हैं और अलग से ग्राम पंचायत की मांग कर रहे हैं, वो सर्वथा
गलत है और हम शासन से अनुरोध करते हैं कि किसी प्रकार से इसमें उन लोगों की मांग के ऊपर ध्यान ना दिया जाए और यदि किसी प्रकार से अलग ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है तो हम सर्वथा विरोध करेंगे और उसके लिए धरना प्रदर्शन जैसा भी हमको हम लोगों को करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। मांग है कि उनके मांग को यदि पूरा करना है तो उनको पूर्व जहां उनका ग्राम था राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है और जहां उनका ग्राम था वहां बसा के अलग से ग्राम पंचायत किया जा सकता है, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है।